वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थी फेस। आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थी फेस के लिए 10 टिप्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थी फेस के बारे में। आजकल ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को अच्छा दिखाना ना चाहता हो। आप सब चाहते हैं कि हम थोड़े अट्रैक्टिव लगें, हमारा चेहरा थोड़ा साफ हो, फेस एकदम आपका क्लियर रहे। तो आज मैं आपके लिए लाऊं 10 टिप्स फॉर हेल्थी फेस। तो आज हम बात करेंगे हेल्थी फेस के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहला ये टिप्स जो है, स्टे क्लीन योर फेस, यानी कि अपने चेहरे को साफ रखें। बियर्ड हो सके तो आप रखें ना, क्योंकि बियर्ड की वजह से आपका चेहरा थोड़ा रूखा सूखा हो जाता है और सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, चेहरा आपका खिंचता है अगर आप बियर्ड ज़्यादा रखते हैं। तो बियर्ड रखने के लिए भी आपको बियर्ड मेंटेन करनी होती है, जो काफ़ी कम लोग करते हैं। लेकिन आप चेहरा अगर आपको साफ रखना है तो आप बियर्ड ना रखें, अगर रखनी है तो थोड़ी बहुत रखें बियर्ड। दूसरा टिप्स हमारे पास है वॉश योर फेस, यानी कि अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। दिन में कम से कम 2 बार आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, तो चेहरे को ज़रूर धोएं। काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से उनके चेहरे में पोल्यूशन, डस्ट जो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पिंपल्स होते हैं और उनका चेहरा बहुत ही ख़राब हो जाता है, डीपली ख़राब होता है चेहरा। तो आप ज़रूर अपने चेहरे को 2 बार मिनिमम धोएं। रात में भी अगर आप सोने से पहले चेहरे को धोकर सोएंगे तो आपका चेहरा वैसे भी नॉर्मली ठीक रहेगा। थर्ड टिप्स हमारे पास है वॉश योर टॉवल एंड पिलो। आप अपने टॉवल को और पिलो को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर धोएं, ताकि उनमें लगा हुआ कुछ भी डस्ट पार्टिकल आपके चेहरे पर ना लगे, जिसके कारण कभी कभार आपके चेहरे पर एलर्जी भी हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने टॉवल को और पिलो को 2-3 बार हफ्ते में ज़रूर धोएं और उसे क्लीन रखें। टॉवल आप अपना बार बार चेंज ना करें, एक ही परमानेंट टॉवल लगें और उसे अच्छे से क्लीन रखें। फोर्थ टिप्स हमारे पास है ईट हेल्दी। आप पूरी कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी खाना खा सकें, जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं और आप बैलेंस डाइट लें। ऐसा नहीं जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, और बाहर का जितना भी खाना होता है, फास्ट फूड वगैरह, चाउमीन वगैरह जो भी आप खाते हैं, उसे कम से कम खाएं। और ऑयली फूड जो होता है उसे या तो अच्छे से एब्जॉर्ब करके खाएं, और या तो ऑयली फूड अवॉइड कर दें आप बिल्कुल ही। ऑयली फूड की वजह से आपके चेहरे पर पिंपल होता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आप इसे अवॉइड करें। पांचवा टिप्स हमारे पास है ड्रिंक वाटर मोर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो सके आप पिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे तो उससे आपके चेहरे पर काफ़ी ग्लो आएगा, और ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी। तो जितना ज़्यादा आप हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए दिन में। छठा टिप्स हमारे पास है डोंट रब योर फेस। आप कभी भी अपने चेहरे को रगड़े ना। आप हाथ आपके कभी कभार गंदे रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते और अपने फेस को रब करने लग जाते हैं, तो उसे ना करें ऐसा। आप किसी टॉवल से या किसी सॉफ्ट हैंकी से अपने चेहरे को साफ करें, और कभी भी बाहर से आएँ तो आते ही कभी भी अपना चेहरा ना धोएं। 5-10 मिनट रुक के उसके बाद अपने चेहरे को धोएं, और आँखों में भी अच्छे से पानी मारें, ताकि आपकी आँख भी साफ रहें और आपका चेहरा भी साफ रहे। 7वां टिप्स हमारे पास है डोंट ट्रीट एनी पिंपल, यानी कि जब आपके चेहरे पर कभी पिंपल निकले तो उसे बार बार छेड़ें ना, और उसे फोड़ने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। अगर जब भी आप कच्चा पिंपल फोड़ देते हो, वो अच्छे से अभी पका नहीं है और आप उसे छेड़ने लग जाते हो, पिंपल को फोड़ने की कोशिश करते हो, तो उसका जो निशान है वो आपके चेहरे पर रह जाता है काफ़ी दिनों तक। कभी कभार किसी पिंपल की वजह से आपके चेहरे पर परमानेंट निशान जो हो जाता है, वो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम देता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
अगर आपको कोई पिंपल निकल गया तो उसे धीरे धीरे ऐसे छोड़ दें और धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आठवां टिप्स हमारे पास है स्ट्रेस फ्री, यानी कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, किसी चीज़ की टेंशन ना लें। जब आप टेंशन लेते हैं तो आपके बाल कभी कभार माना जाता है ऐसे कि टेंशन लेने की वजह से बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेने से आपके चेहरा ग्लो लेस हो जाता बिल्कुल। तो ऐसा ना करें, स्ट्रेस आप कम से कम लें, फ़ोन का कम यूज़ करें, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ कम करें, साइड साइड वीक होती है और चेहरे पर आपका ग्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इन चीज़ों से। नोवा टिप्स हमारे पास है डोंट चेंज क्रीम। आप जो भी क्रीम अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं नहाने के बाद या सोने से पहले, उस क्रीम को आप परमानेंट रखें, बार बार क्रीम को चेंज ना करें। आपने पहले यूज़ करते थे कि ऑयली स्किन को हटाने के लिए क्रीम, बाद में आप किसी और चीज़ के लिए क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार कुछ क्रीम आपके चेहरे पे इन्फेक्शन भी हो जाता है क्रीम की वजह से। तो बार बार क्रीम को चेंज ना करें, एक परमानेंट क्रीम रखें जो आपके चेहरे को सूट करती हो। दसवां टिप्स हमारे पास है डोंट चेंज सोप। जैसे हम बात करें थे क्रीम के बारे में कि क्रीम चेंज ना करें, ऐसे ही आप अपने सोप को चेंज ना करें, एक परमानेंट सोप रखें जो भी आपके चेहरे को सूट करता हो। और सोप जब आप नहाते हैं तो सोप को चेहरे पे हल्के हाथ से रगड़ें, ज़्यादा चेहरा ना रगड़ें। तो आप इन सब चीज़ों को करके देखिए, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी।